हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक फिल्म बनाने की प्रोसेस क्या होती है और उसके लिए कौन कौन काम करता है। फिल्म मेकिंग के मेनली तीन स्टेजेस होते हैं, एक प्री प्रोडक्शन, दो प्रोडक्शन और तीन पोस्ट प्रोडक्शन। इस वीडियो में हम प्री प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। किसी भी फिल्म की शुरुआत होती है एक स्टोरी से, जिसका एक स्टार्ट हो, एक मिडल हो और कोई एंड हो, और जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हो। अब यह स्टोरी किसी भी रैंडम इंसान की हो सकती है, जिसे बाद में प्रोफेशनल राइटर्स की मदद से डेवलप किया जाता है, जिसे स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले भी कहा जाता है। यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि फिल्म के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर खुद स्टोरी लिखते हैं। इस स्क्रिप्ट को लेकर फिल्म प्रोड्यूसर एक बजट बनाता है, जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि फिल्म बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा। इसमें कई सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है, जैसे फिल्म बनाने के लिए काम करने वाले क्रू की फीस क्या होगी, फिल्म की शूट के लिए लगने वाले लोकेशन को हायर करने के लिए या फिर सेट डिजाइन करने के लिए कितना पैसा लगेगा, शूट के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए या फिर रेंट आउट करने के लिए कितना खर्चा होगा, अलग अलग सीन के लिए लगने वाले कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करने के लिए कितना पैसा लगेगा, शूटिंग के दौरान लगने वाले फूड, ट्रांसपोर्ट और फिल्म क्रू की अकोमोडेशन के लिए कितना बजट होगा, साथ ही फिल्म की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का बजट क्या होगा वगैरह वगैरह। इसके बाद फिल्म का क्रू यानी फिल्म बनाने के लिए कौन कौन क्या क्या काम करेगा ये डिसाइड किया जाता है। जैसे फिल्म का डायरेक्टर कौन होगा, फिल्म की कास्टिंग कौन करेगा, फिल्म में एक्टर्स कौन कौन से होंगे, फिल्म का म्यूजिक कंपोज कौन करेगा, फिल्म का सिनेमाटोग्राफर कौन होगा, फिल्म के लिए मेकअप कौन करेगा, फिल्म की साउंड डिजाइनिंग कौन करेगा, फिल्म का आर्ट डायरेक्टर या प्रोडक्शन डिजाइनर कौन होगा, फिल्म एडिट कौन करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पर एक इंसान दो अलग अलग रोल प्ले कर सकता है। जैसे कई बार फिल्म का प्रोड्यूसर ही फिल्म का डायरेक्टर भी होता है और फिल्म का डायरेक्टर म्यूजिक भी कंपोज कर लेता है। नाउ वी हैव अ स्क्रिप्ट, वी हैव बजट एंड वी हैव अ टीम। अब यहाँ से एक्चुअल प्री प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्री प्रोडक्शन में फिल्म डायरेक्टर अपने क्रू के साथ मिलकर ये डिसाइड करता है कि इस स्टोरी का स्क्रिप्ट से लेकर फिल्म तक का सफर कैसे होगा। यहाँ पर फिल्म डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, क्योंकि कोई भी फिल्म जो होती है वो फिल्म डायरेक्टर का विजन होती है। फिल्म डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफर के साथ मिलकर ये डिसाइड करता है कि फिल्म का विजुअल अप्रोच कैसे होगा, यानी फिल्म शूट कैसे करनी है। कास्टिंग डायरेक्टर का काम है एक्टर्स के ऑडिशंस लेना और कैरेक्टर के रिक्वायर्ड लुक के अनुसार उनको शॉर्टलिस्ट करना, जिसमें से बाद में डायरेक्टर अपने एक्टर्स फाइनलाइज करता है। म्यूजिक कंपोजर फिल्म की स्टोरी और थीम के अनुसार फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करने का काम करता है। फिल्म एडिटर का काम होता है कि शूट किए गए फुटेज को फिल्म की स्टोरी के अनुसार शॉट बाय शॉट कंपोज करना, जिसमें से फाइनल फिल्म रेडी होती है। फिल्म का कॉस्ट्यूम डिजाइनर फिल्म की स्टोरी और अलग अलग कैरेक्टर्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम करता है। अगर फिल्म किसी घर में शूट हो रही हो तो उस घर में बेड, टेलीफोन या रेडियो किस प्रकार का होगा ये डिसाइड करने का काम आर्ट डायरेक्टर का होता है, जिसे अक्सर प्रोडक्शन डिजाइनर भी कहा जाता है। अगर फिल्म में कोई डांस सीक्वेंस हो तो उस डांस को सेट करने का काम कोरियोग्राफर करता है। पर्दे पर कोई भी कैरेक्टर हमें सच लगता है, क्योंकि उस एक्टर को कैरेक्टर का लुक देने में मेकअप आर्टिस्ट का हाथ होता है। फिल्म शूटिंग के दौरान एक्टर्स द्वारा कहे गए डायलॉग्स और बैकग्राउंड साउंड रिकॉर्ड करने का काम साउंड रिकॉर्डर करता है। फिल्म का फाइनल आउटपुट देने से पहले फिल्म कलरिस्ट फिल्म को कलर करने का काम करता है, जिससे फिल्म हमें रियल लगती है। इसी के साथ ही फिल्म पर कई तरह के आर्टिस्ट काम करते हैं, जैसे VFX आर्टिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट सुपरवाइजर, लोकेशन मैनेजर, फोले आर्टिस्ट, स्टिल फोटोग्राफर, एक्शन डायरेक्टर, मार्केटिंग मैनेजर, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, सो ऑन एंड सो ऑन। हालांकि यहाँ पर सबका काम मैंने बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, लेकिन इन सब का काम बहुत ही डिटेल्ड होता है। इसलिए आने वाले समय में मैं और वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें मैं हर इंडिविजुअल का काम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ ही फिल्म डायरेक्टर फिल्म के शूट के लिए अलग अलग लोकेशन ढूंढने का काम करता है, जिसे लोकेशन रेकी कहा जाता है। लोकेशंस फाइनलाइज होने के बाद डायरेक्टर यह डिसाइड करता है कि उस लोकेशन पर कौन से कैरेक्टर की पोजीशन क्या होगी और वो कहां से कहां तक मूव करेगा, जिसे ब्लॉकिंग कहा जाता है। साथ ही डायरेक्टर अपनी एक शॉर्टलिस्ट बनाता है, जिसमें वो ये डिसाइड करता है कि उसे वो सीन कैसे शूट करना है, जिसे स्टोरी बोर्डिंग कहा जाता है। इसके बाद डायरेक्टर अपने एक्टर्स के साथ रिहर्सल करता है, जिसमें वो एक्टर्स को उनका कैरेक्टर और सीन्स एक्सप्लेन करता है।
आखिर में फिल्म शूट करने से पहले एक शेड्यूल बनाया जाता है जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि फिल्म कब शूट होगी। इस तरह से स्टोरी से स्टार्ट होकर स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर, बजट, टीम, कास्टिंग, लोकेशंस, ब्लॉकिंग, स्टोरी बोर्डिंग, रिहर्सल, शेड्यूलिंग जैसी एंटायर प्री प्रोडक्शन की प्रोसेस से होकर फिल्म शूट के लिए रेडी होती है। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर बार ये प्रोसेस इसी ऑर्डर में हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही प्रोसेस फॉलो की जाती है। अब फिल्म शूट कैसे होती है यह मैंने इस सीरीज की वीडियो नंबर 2 प्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दैट पार्ट ऑल्सो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फिल्म इन्फो।